हरे कृष्णा, आज की वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है। बिना देरी किए मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेता हूँ। जी डॉक्टर पति बात कर रहा हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे जी, बताइए पाइल्स कैसे हैं आपके? सर मेरे पाइल्स में मतलब कि ठीक हो गया था, लेकिन सर आप कभी कभी मैं ज्यादा मिनट मसाला खरीद कर कभी दिक्कत हो जाती है मेरे। अभी मसाले मत खाइए क्योंकि अभी ताजा ताजे ठीक में वो। ठीक है, अभी वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, ज्यादा मतलब दो तीन महीने में। सर आपके वाला मेरे ट्यूब मत देना, ट्यूब तो मेरे पास अभी रखा है सर। वो कौन सा ट्यूब? आपने पाइल्स के लिए ट्यूब भेजा था मेरे लिए लगाने के लिए, वो तो मेरे पास अभी है, वो मैं भेज रही हूँ। ठीक है। हमारे पास में जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं, हम उन्हें एक्सटर्नल भी लगाने के लिए क्रीम देते हैं, क्योंकि जो बाहर है पाइल्स हो गए हैं, उसमें सूजन है, उसमें जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, साथ में उसमें फिशर की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि वहाँ पर कट लग गया है, तो उस कट में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको हील करने के लिए हम क्रीम देते हैं लगाने के लिए। आगे सुनते हैं। और सर मेरी दिक्कत है, मेरे ना सर पता नहीं क्यों सर मेरे एक तरफ की जो पिगमेंटेशन है ना एक गाल की सर वो तो मेरे हल्की हो रही है, मतलब मेरी फट नहीं रही है बिल्कुल भी, हल्की हुई है। और सर आपके पिगमेंटेशन का कारण क्या था? सर मैंने नींबू लगाया था। नींबू लगाया था ना? हाँ, तो ये आपकी जो पिगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल कारण की वजह से हुआ, आपकी एक्सटर्नल हाँ। आपने नींबू लगाया उसकी वजह से आपकी अपर लेयर डैमेज हुई। नींबू से पहले ये वैसे क्यों नहीं होते जो वैसे स्टोर से लेके सर मैंने वो भी लगाए थे। मतलब आप मुझे एक बार चीजें समझा दीजिए, तो आपका चेहरा बिल्कुल ठीक था सर? मेरा फेयर मतलब मेरे चेहरे पर सर एक दाना नहीं था, एक तिल भी नहीं था। आपके दाने पर एक दाना नहीं था, एक तिल नहीं था, एक पिगमेंटेशन का निशान नहीं था, कुछ कुछ भी नहीं। फिर आपने क्रीम लगाना शुरू किया सर, मेरे पिंपल निकले। ठीक है सर, पिंपल निकले सर, उन्होंने मुझे पता तरह की दवाई दी, क्यूर दिए, उससे फिर सर मेरा रेड रेड हो गया, मेरे बाल हो गए। ठीक है सर, मैंने फिर मैंने शादी के बाद मेरा बेबी हुआ, उसके बाद सर मेरे एक ब्लैक सा छोटा सा आँख के नीचे ब्लैक सा हुआ था, तिल टाइप का सर, फिर मैंने नींबू लगाना शुरू कर दिया सर, उसके बाद नींबू से सर मैं धूप में निकल सर और ज्यादा होता चला गया, नींबू छोड़े सर, तभी से है ये मेरे। तो आपने क्लियरली यहाँ पर सुन लिया है इनको प्रॉब्लम कैसे आई थी। इन्होंने कहा कि एक गाल का तो मेरा बहुत ठीक हो गया है, इन्होंने कहा कि मेरे को चेहरे पर एक दाग नहीं था, मेरे को पिंपल्स निकले थे, डॉक्टर ने मुझे क्रीम लगाने के लिए चेहरे पर दिया, चेहरे पर क्रीम लगाने से उनके बाल भी हो गए, फिर उन्होंने निशानों पर अपने नींबू लगाया और नींबू लगाने के बाद में धूप में निकल गई, जिसकी वजह से इनका चेहरा झुलस गया। आप लोग यूट्यूब पर देख देख कर कुछ भी उल्टी सीधी रेमेडीज को ट्राई करना शुरू कर देते हैं। मेरे वीडियोज के नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं क्या? हर मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं बनी होती है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और ये जो नींबू वाली चीज है, मैंने आपको एक बार कमेंट शेयर किया था ना, एक पेशेंट है उन्होंने मेरे को बताया था कि उन्होंने नींबू और चूना अपने चेहरे पर रगड़ा पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। उन्होंने ये समझा कि ये बर्तन है, ये काला हो गया है तो रगड़ के इसको साफ कर देंगे नींबू से। और मुझे तो डॉक्टर की बुद्धि समझ में नहीं आती कि डॉक्टर की बुद्धि चली कहां गई, आखिर उन्होंने पढ़ाई किस चीज के लिए की? उन्हें ये नहीं पता कि पिगमेंटेशन जो होता है वो मेलानिन के बढ़ने की वजह से होता है, वो नींबू से रगड़ने से साफ नहीं होगा? डॉक्टर ने उनको वो चीजें दी, आप खुद सोचिए। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि इन्हीं का एग्जाम्पल लेता हूँ, इन्होंने कहा कि मेरे को प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद में मेरे को दाग आ गया और उसके लिए मैंने फॉर एग्जाम्पल क्रीम लगा लिया या फिर मैंने नींबू लगा लिया। अब आप मुझे बताइए पिगमेंटेशन जो आया था वो प्रेगनेंसी की वजह से आया था, तो फिर नींबू क्यों रगड़ रहे हैं चेहरे पर या फिर स्टेरॉइड क्रीम क्यों लगा रहे हैं चेहरे पर? प्रॉब्लम तो हार्मोन्स की थी ना, हमें वो ट्रीट करना चाहिए था, फिर ये क्यों कर लिया? लोग क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। YouTube पर बताने वाले आपको क्या बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। चलिए आगे सुनते हैं। जी तो नींबू के लिए कहाँ देखा था आपने? YouTube पर देखा था क्या? हाँ सर, मैंने वही तो देखा था सर। देखिए सबसे पहले चीज तो जो भी आपका रीजन, अगर मुझे लग रहा है कि आपका जो सारा का सारा जो रीजन है वो एक्सटर्नल है, अगर आपका पिगमेंटेशन एक्सटर्नल रीजन की वजह से है तो वो हमेशा लाइट होकर जाएगा, और अगर आपका इंटरनल वजह से है तो वो क्रैक होकर जाएगा। अगर आपका कारण बाहर है, अगर आपका अगर आपका पिगमेंटेशन बाहर की वजह से आया है तो वो लाइट होके जाएगा, और अगर वो अंदर की वजह से आया तो वो क्रैक होके जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और जिनकी मोटेड स्किन है, यानी कि पूरा चेहरा काला हो गया, जैसे किसी ने चेहरे पर कालिक पोत दी हो, उनका चेहरा हमेशा लाइट होके खत्म होगा पिगमेंटेशन। ठीक है, जून में मेरे एक दो सौ निशानी पड़ी थी व्हाइट व्हाइट सर, फिर वो वही रुक गया, फिर मेरा अब ये पांच दिन से सर लाइट हुआ, सिर्फ एक गाल का लाइट हुआ। अब आप सुनिए, इन्होंने कहा कि सर जून तक मेरे को निशान भी आए थे, मतलब
धब्बे धब्बे पड़े थे। इन्होंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि डॉक्टर साहब मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पर वो काला धब्बा आया था और उसके बाद में मेरा ठीक नहीं हुआ। मैंने इनको क्या समझा रहा हूँ कि अगर बाहर से है तो इस तरह जाएगा, अंदर से है तो इस तरह से जाएगा। इन्होंने कहा कि जून तक मेरे को काले धब्बे पड़े थे, अब जुलाई अगस्त सितंबर में आके पढ़ना बंद हो गया। अब सितंबर में इनको फिर से लाइट आना शुरू हो गया है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें हमारा पित्त अपनी चरम सीमा पर होता है। आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो चाहे रिंकल्स हो, पिगमेंटेशन हो, चाहे आपकी स्किन पर इचिंग हो, अर्टिकेरिया हो, ये ठीक नहीं होते क्योंकि इसमें पित्त भड़का हुआ होता है। आपकी स्किन इसमें प्रॉपरली हील नहीं हो पाती। हम केवल चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं आपको डाइट बताकर, आपको मेडिसिन देकर। इसी कारण से इस मौसम में दूध नहीं पिया जाता, इसी कारण से इस मौसम में नमक को कम कर दिया जाता है, इसी कारण से इस मौसम में फास्ट भी रखा जाता है। हर चीज साइंटिफिक है तो मैंने जून में ही बताया था आपको कि जुलाई अगस्त सितंबर इसमें आपको लाभ नहीं दिखाई देगा। अगर आपकी जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है, अगर वो अपने नमक की मात्रा कम कर देते हैं, ओके, अगर वो अपने नमक की मात्रा कम कर देते हैं, अगर वो अपने मिर्च की मात्रा कम कर देते हैं और अगर वो केवल हरी मिर्च खाते हैं खाने में, उनका पित्त भड़कना कम हो जाएगा। ये YouTube पर मैं पहली बार बता रहा हूँ। आई थिंक कि कभी किसी ने पहले बताया नहीं होगा। देखिए, पित्त को सुधारने के मुख्यतः 2-3 तरीके होते हैं। पहली बात, नमक कम कर दीजिए, दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट आप बंद कर दीजिए। किसी को रिंकल से कमजोरी है उनको पनीर अवश्य लेना चाहिए, लेकिन वो भी सीजन के अकॉर्डिंग, ओके। और पित्त को बैलेंस करने के लिए वोमिट करना सुबह सुबह पानी पी के, हफ्ते में एक बार अनीमा लगाना और खाने में कोई भी ऐसी चीज़ें ना लेना जैसे कि जो कि खट्टी हो, दही कढ़ी मट्ठा अचार रायता, ये चीज़ें नहीं लेनी आपको। जो नेचुरल खट्टा है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, ओके। आगे सुनते हैं। मुझे कितने दिन में दवा खानी पड़े, लेकिन आप सर इसको सही करके छोड़ना सर, बहुत अजीब सा लगता है। सही करेंगे आपके फेस को, तभी तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट क्यों करते हैं आप? नहीं सर, मेरा एक फेस का तो लाइट हो रहा है, एक गाल का और मूंछ का सर अभी ऐसा ही है। ठीक है, वो आराम से ठीक हो जाएगा आपका। और सर पता है सर, मुझे पता नहीं कि मैं सो के उठती हूँ तो सर मुझे ना, देखिए जब ये ठीक हुआ था वो भी ठीक होगा, दर्द होगा मेरे हाथ पैरों में, जोन में, मेरे ऑपरेशन से भी हुआ था तो मेरे कमर में दर्द होता है। अभी आगे 7 मिनट का कमेंट है, ओके। 7 मिनट में इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही चर्चा की है, बट आपका जो मुख्य कंसर्न होता है वो पिगमेंटेशन का कंसर्न होता है। यहाँ पर मैंने आई थिंक आपको पिगमेंटेशन के बारे में, इनसे जो जुड़ी हुई बात थी, मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी हैं। आगे इनकी कोई समस्या हो सकती है, मुझे कमेंट याद नहीं है। ये 4 सितंबर का कमेंट है, मैंने 4 सितंबर को इनसे बात की थी, तो मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने इनसे क्या बात कर रखी थी, ओके। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। कल की वीडियो आप अवश्य सुनिएगा, कल की वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन और ज्ञान दोनों आपको ठीक करने का काम करते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि पिगमेंटेशन आपको कैसे ठीक होगा, आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे। इसको मेथड, एक तरीके से सही करना होता है, इसको लॉजिकल तरीके से सही करना होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले उसको ठीक करेंगे, अगर आपका पित्त भड़का हुआ है तो उसको ठीक करेंगे, आपके स्किन के फंक्शंस प्रॉपर नहीं है उसको ठीक करेंगे। और हाँ, इस तरह की वीडियोज मत देखा करो कि 3 दिन में पिगमेंटेशन जड़ से साफ कर देंगे। इंस्टाग्राम पर इस तरह के एड बहुत सारे आते हैं कि 15 दिन में पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म कर दिया। यार 15 दिन में तो जो आप खाना खाते हो ना उसका असर भी कम से कम आपको 21 से 35 दिन बाद जाके दिखता है अपने शरीर पर। अगर आप आज पनीर खाना शुरू करेंगे ना तो जो ढंग से आपको उसका रिजल्ट दिखेगा वो 30 से 35 दिन में जाके दिखेगा। तो इस तरह की चीजों से आप भटका मत कीजिए, क्योंकि जो लोग ये दावा करते हैं कि वो 15 दिन के अंदर पिगमेंटेशन खत्म कर देंगे, समझ लेना कि वो आपके चेहरे को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये पिगमेंटेशन 15 दिन में ठीक होने वाली चीज़ है नहीं। और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर साहब बता तो सही रहे हैं बट हमें एक बार वो चीज़ ट्राई करके देखनी है, तो आप बड़े शौक से उसको ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है अंत में तो आप मेरे ही पास आएंगे अपने और ज़्यादा खराब चेहरे को लेकर। तो आज की वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बात हो गई। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।